The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। क्या आपकी भी नींद बीच-बीच में खुल जाती है? क्या आप भी बीच-बीच में हर 3-3 घंटे में 2-2 घंटे में उठ के क्या हुआ? क्या आपको भी सोने में मुश्किल होती है? तो आपको हो सकता है ये इररेगुलर स्लीप वेक सिंड्रोम, मतलब कि आपकी एक बार की नींद जो है 4 घंटे के ऊपर जा ही नहीं रही है या मोस्टली नहीं जाती है, तो ये इररेगुलर स्लीप वेक सिंड्रोम बोला जाता है। क्या है ये सिंड्रोम, व्हाट इज इट, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर पर डॉक्टर एजुकेशन। तो जरूर 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 इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो इररेगुलर स्लीप वेक सिंड्रोम क्या है? ऐसे लोग जो जिनकी स्लीप जो है बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाती है और अनस्ट्रक्चर्ड स्लीप होती है, इसके बारे में बताएंगे आपको क्या होता है। और मेन पॉइंट है कि वो ज्यादातर एक बार में 4 घंटे से कम सोता है, 4 घंटे से कम, तो उन लोगों को कह सकते हैं इररेगुलर स्लीप वेक सिंड्रोम। क्यों होता है ऐसा कि आपको नींद जो है बस 4 घंटे आया, फिर आंख खुल गई, फिर 4 घंटे आंख खुल गई, क्या हो रहा है ये? सो व्हाट इज द कॉज? इसका मेन कारण है सर्केडियन रिदम का एब्सेंट होना। आपके शरीर में एक नेचुरल बायोलॉजिकल सर्केडियन रिदम, नेचुरल क्लॉक होती है जो बताता है आपको कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी को 8 बजे, किसी को 10 बजे, किसी को रात को 12 बजे नींद आती है, राइट? और अगर आप फिक्स कर लें तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी कि हाँ 12 से दोपहर, रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, या रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, या 8 बजे से सुबह 4 बजे तक मैं सोता हूँ, भाई सीधी बात है, मेरा फिक्स है। तो एक रिदम बन जाती है। अगर आपको वो रिदम नहीं है, मतलब कभी 8 बजे सो रहे हो, कभी 10 बजे सो रहे हो, कभी 2 बजे सो रहे हो, कभी सुबह सो रहे हो 4 बजे, कभी 6 बजे सो रहे हो, तो ना रिदम है, रिदम है भी तो उसकी ऐसी तैसी आपने कर दी है। और नाइट शिफ्ट वाले लोग, डॉक्टरों लोग, उनको ये रहता ही है। सो यस, रहता है सर्केडियन रिदम का प्रॉब्लम होना। सेकेंड रीजन इज अ न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर, मतलब कि दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स या ब्रेन जो है वो आपका डीजनरेट हो रहा है, मर रहा है। ये हो सकता है, ज्यादातर कारण तो पहला नंबर ही है ज्यादातर, पर हाँ बुजुर्गों में ये कारण, इसीलिए बुजुर्गों को एक बार में 3-4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती और उम्र के साथ, ठीक है? तो दैट इज द अल्जाइमर डिजीज भी हो सकती है जो बुजुर्गों में होती है, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर। और जो हमने बताया चेंजिंग शिफ्ट्स बिटवीन डे एंड नाइट एंड डे एंड नाइट, सारे मेडिकल नर्सिंग स्टाफ की जिंदगी की कहानी है ये, है नी? लाइक कर दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा अगर आप भी किसी से ग्रसित हैं, डॉक्टर हो या आप किसी और लाइन में हो और फिर भी आपको भी रात की शिफ्ट हो, नाइट शिफ्ट वाले लोग जरूर नीचे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, बताएं हमें, पता चले कितने लोगों को नाइट हो रही है जी। तो हाउ टू मैनेज दिस, क्या करेंगे आप? देखो बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बताएं सीधा सीधा क्या करेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सपोजर टू लाइट। आपको एक्सपोजर टू लाइट और मेलाटोनिन, ये दो स्टेप्स में काम खत्म, ठीक है? मतलब कि रात को अगर आपको जागना पड़ भी रहा है तो आप रात को एक पर्टिकुलर टाइम जो चूज करिए कि मेरे को 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, 12 बजे सोना है, उसके आसपास सोना है, तो उसके बाद आपके आंखों में बहुत तेज लाइट नहीं जानी चाहिए, मिनिमम लाइट होनी चाहिए। अगर आप फोन, मोबाइल, कोई लैपटॉप काम भी कर रहे हैं, एक्सपोजर बिल्कुल कम कर दीजिए, लाइट बिल्कुल कम कर दीजिए, पूरे कमरे की लाइट बिल्कुल कम कर दीजिए, ठीक है? जितनी कम में आपको आंखों पे स्ट्रेस भी ना आए ये भी, ठीक है, उतने कम पे आप देखिए। एक्सपोजर टू लाइट कम इन द नाइट, एंड जैसे ही सुबह उठते हैं जब आपको लग रहा है कि यार नींद खुलनी चाहिए थी, नींद ही आ जा रही, देन यू एक्सपोज योर लाइट, खुला लाइट, पर्दे खोल दो, लाइट जला दो। सो इस तरह से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं मेलाटोनिन बनाने के लिए उस टाइम पर जब आप सोना चाहते हैं। जी हाँ, थोड़े दिनों में, 2-4 हफ्तों में ट्रेन हो जाएगा, और उस दौरान आप मेलाटोनिन के सप्लीमेंट ले सकते हो। मेलाटोनिन के सप्लीमेंट आते हैं 3 मिलीग्राम, 3 mg, 2 लेके 20 mg तक आते हैं, सो यू कैन टेक अ प्रिस्क्रिप्शन। वैसे तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है मेलाटोनिन, आप ले सकते हैं। मेलाटोनिन पे मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, जरूर जाके देखिए इसके बारे में जानने के लिए। मेलाटोनिन आपके ब्रेन से नेचुरली बनता है जो नींद आती है, राइट? ठीक है, सो वो आप ले सकते हैं, उससे स्लीप डेप्थ बढ़ेगी, सर्केडियन रिदम सेट होगी, और जब तक आपकी ड्यूटी चल रही है कोई फायदा नहीं, उल्टी सीधी ड्यूटी है ना। तो स्ट्रक्चर का मतलब यही है, स्ट्रक्चर टू योर डे। दैट मींस ऐसा नहीं कि बीच में एक बार नैप ले ली, फिर बीच में एक बार नैप ले ली, फिर रात को सोए नहीं, अरे सुबह सो गया था तो रात भर नींद नहीं आ रही, ये नहीं करना है, राइट? स्ट्रक्चर ऐड करिए, मतलब है कि पूरा दिन प्रॉपर काम करो और रात को प्रॉपर सो जाओ, काम निपटाने के, ऐसा नहीं कि बीच में नींद आ रही, बीच में सो गए, बीच में नींद, ठीक है? इफ यू इट इज पॉसिबल ऐड अ स्ट्रक्चर टू एनी स्ट्रक्चर, डजंट मैटर, ठीक है? इफ यू आर नॉक्चरनल, सुबह 4 बजे सोते, ऐड अ स्ट्रक्चर टू दैट, राइट? 4 बजे के पहले मेलाटोनिन लो, 4 बजे लाइटें डिम करो,
और जब सुबह उठते हो मेक श्योर करो कि 4 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक कोई आपके अंधेरे रहे कमरे में, राइट। आपके दिमाग के लिए सूरज कुछ नहीं, आपके घर की लाइट सूरज ना आए तो आपकी जो सर्कैडियन रिदम सेट हो जाएगी। तो ये मेन है, आप अपने स्लीप एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल बनाइए, जब आप सोना चाहते हैं तब, जब आप पढ़ना चाहते हैं तब नहीं, जब आप कुछ और करना चाहते हैं। नाउ नॉइज मीन ऐसा नहीं कि भाई ये सो रहे हो रात को 4 बजे और सुबह 6 बजे से वहां पे आवाजें शुरू हो जा रही है, टन 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 टन, कुछ ये आवाज वो आवाज, या 4 बजे से पोंपा पोंपा, मतलब 10 बजे से पीछे बिल्कुल रोड है। तो ये सब चीजों को कंसिडर करो, एनवायरमेंट भी शांत होना चाहिए। यू नीड टू मेक योर, आपकी बॉडी आपके लिए सबसे जरूरी है। नहीं कपड़ों पे कितना खर्चा करते, बॉडी पे ध्यान दे दो, थोड़ा सा दिमाग पे ध्यान दे दो, है कि नहीं। तो इस वीडियो को शेयर करिए और उस इंसान को जरूर भेजिए जिनको आपको लगता है बहुत जरूरी है नींद, इस प्रकार की जरूरत है इस वीडियो की। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल बटन। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।